कैसे हैं आप लोग? सब मुझे तो गाइज आज की वीडियो रहने वाली है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। अगर आपको GTA 5 खेलना पसंद है तो आज की वीडियो पूरी देख लीजिएगा। तो गाइज जैसे कि आप लोग को पता है कि GTA 5 अभी तक फोन के लिए बना नहीं है और आगे भी जाके नहीं बनेगा, बिकॉज उसका जो साइज है वो राइट नाउ अभी 100 GB तक का है और इतना बड़ा गेम फोन में चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, यानी इम्पॉसिबल भी हम एक प्रकार से बोल सकते हैं। लेकिन आपको पता होगा कि बहुत से कुछ ऐसे डेवलपर्स होते हैं जो हम सबके लिए एक फैन मेड GTA 5 का यूनिटी का वर्जन बनाते हैं। यूनिटी एक हम बोल सकते हैं एज ए सॉफ्टवेयर है जिसके मदद से हम गेम्स बना सकते हैं, तो वो लोग GTA 5 का एक क्लोन फोन के लिए बनाते हैं। तो बहुत लोगों ने इतने अच्छे अच्छे क्लोन बनाए कि मैं उसकी क्या बात करूँ। मैंने वैसे ऑलरेडी सब पे वीडियो डाल चुका हूँ। तो आज की वीडियो बेसिकली कंपाइलेशन वीडियो रहने वाली है कि सारे GTA 5 के जितने भी फोन के गेम्स बने बेस्ड ऑन उनके रैंकिंग के हिसाब से मैं उनको टॉप 5 की लिस्ट में डाला हूँ। आपको पांचों के गेम्स पसंद आएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो आपको सारा वीडियो देखना है, मीन्स पूरा वीडियो देखना है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। फिर आपकी मर्जी, आपको इन पांचों में से कौन सा गेम जाके डाउनलोड करना है, आप पांचों भी कर सकते हो। सारे गेम्स के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आके आप डाउनलोड कर सकते हो काफ़ी ईजी। अब गेम्स की बात कर ले, गेम्स खेलने में काफ़ी मज़ा आता है। छोटे गेम्स है और ये किसी एक सिंगल टीम, मतलब कोई टीम नहीं बनाती है सारे गेम्स को, कोई सिंगल डेवलपर बनाते, तो इस हिसाब से गेम रहेंगे, थोड़े बग्स रहेंगे। जी हाँ, बग्स तो बहुत रहेंगे, थोड़े नहीं, बट स्टिल आपको मज़ा आएगा, ये इतनी मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं इतने सालों से ये सारे गेम्स आपको देते आ रहा हूँ और मैं उसको खुद पर्सनली बहुत बार ट्राई करता हूँ, तो मुझे भी मज़ा आता है। तो चलिए यार वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जो मैंने पांचवें नंबर पर GTA 5 का नाम रखा है उसका नाम है GTA 5 विद सुपर कार एंड पब्लिक। तो बात कर ले इस गेम के बारे में, इसका लिस्ट में पांचवा नंबर आने का ये कारण था कि इस गेम में ज्यादा कुछ करने को नहीं है। आपको एक गाड़ी मिल जाती है जो कि बेसिकली एक माइकल की गाड़ी रही, तो आपको जो घर मिलता है वो मिलता है फ्रैंकलिन का। पब्लिक के नाम से खाली एक कैरेक्टर, एक आपको पब्लिक मिल जाता है, एंड बाकी में इस गेम में करने को कुछ ज्यादा नहीं है। ग्राफिक्स की बात कर ले, गेम का ग्राफिक्स है अच्छा है और साइज इसका ज्यादा है, इसलिए इसको मैंने पांचवें नंबर पर रखा। बाकी आप गेम में काफी ज्यादा मजे कर सकते, तो गेम खेलने में उतना भी बोर नहीं होता। जैसे कि आपको फ्रैंकलिन की सिटी को एक्सप्लोर करना है तो इससे बेटर आपको कोई और वर्जन देखने को नहीं मिलेगा। अब गेम की बात कर ले, गेम की बात तो हम कर ही रहे, अब बात कर ले इसको डाउनलोड करना, तो डाउनलोड कर लो। मेरे साथ इसको करना नहीं चाहिए बिकॉज ये पांचवें नंबर का है और इसको ये डिजर्व करता है ये पांचवें रहने पे, नंबर पे रहने का। बाकी आपकी मर्जी, आपको डाउनलोड करना है तो करो वरना मत करो। चौथे नंबर के गेम की बात कर ले तो ये GTA 5 विद एलियन इन्वेजन मिशन। अब बात कर ले ये क्या है, तो ये आर यूजर ने बनाया गया एक GTA 5 का हम बोल सकते हैं वही वर्जन है जो कि बनाया गया GTA 5 के एक मिशन को रेफरेंस में लेके, जो कि था उसके एलियन इन्वेजन का, जो कि उसके स्टोरी मोड में नहीं था, वो अलग से एक मिशन था। तो बेसिकली इसमें ये होता है कि माइकल को कुछ तो भी दिया जाता है, मीन्स आप बोल सकते हैं कोई ड्रग दिया जाता है, जिससे वो जाता है एक ऐसे बोल सकते हैं एक ड्रीम लैंड में जहाँ पे उसको एलियंस को मारना पड़ता था, उसी के रेफरेंस पे ये मोबाइल में ये वाला मिशन लाया गया था। अब इस गेम की बात कर ले, गेम का साइज ज़्यादा बड़ा नहीं है, नियर अबाउट आपको 150 MB तक का ये गेम का साइज देखने को मिल जाता है। अब गेम की बात कर ले, गेम में करने को भी ज़्यादा कुछ नहीं है, आपके सामने कुछ एलियंस आएंगे, आप एज अ माइकल कैरेक्टर रहोगे और आपके हाथ में एक मशीन गन बोल सकते हैं हम लोग रहेगी, जिसमें बहुत सारी अनलिमिटेड एमो रहेगी, जिसकी मदद से आप अपने मतलब बस कुछ करना नहीं है, बस एलियन को मारना है, बस उसमें इतना मजा आता है। तो ये एक हम बोल सकते हैं ऐसा गेम है जिसमें सिर्फ आपको मिशन मिल रहा है, एक पूरी सिटी नहीं है ना ओपन वर्ल्ड है, बस एक मिशन है एज ए माइकल कैरेक्टर, अगर आपको उसको करना है तो आप कर सकते हो। तो नंबर 3 के GTA 5 के गेम के बारे में बात कर ले तो ये हम बोल सकते हैं इसमें सबसे ज़्यादा आपको व्हीकल्स देखने को मिल जाती है, जो कि ओरिजिनल GTA 5 में भी जो जो व्हीकल अवेलेबल नहीं है वो इसमें आपको देखने को मिल जाती है कैरेक्टर के नाम पे। हाँ, सबका प्यारा माइकल ही यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब व्हीकल की बात कर ले तो व्हीकल चलाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, इसमें जो व्हीकल मिलती है हम बोल सकते हैं वो काइट मिल जाती है जो बड़ी वाली, जिसको चलाने में और मज़ा आता है, तो उसका सबसे बेस्ट सीन लगा मेरे को। हालांकि उसमें इतना बड़ा बग है कि वो एक बार आप उससे गिर जाओगे तो वो काइट हवा में ऑटोमेटिकली एकदम ऊपर चली जाएगी। हेलीकॉप्टर भी शायद तक इसमें मिलता है आगे जाने के बाद, ट्रक मिल जाता है एक, और बहुत सी सुपर कार्स भी इस गेम में आपको देखने को मिल जाती है। अब इसको तीसरे नंबर पर रखने का सबसे मेन रीज़न ये क्योंकि ये गेम में फन है, मीन्स इस गेम को खेलने के बाद आपको किक मिलती है, एक मज़ा आता है जो कोई भी मोबाइल गेम खेलने में मिल जाती है। तो इस प्रकार से ये GTA 5 का वर्जन है। अब ये जो तीनों मैंने दिया ये एकदम सीरियस नहीं थे, आगे के दो सीरियस एकदम। नंबर 2 के एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे तो ये बहुत ज़्यादा छोटा है और इसमें ज़्यादा करने को नहीं है, बट इसकी नंबर 2 की पोजिशनिंग ये है कि हमको ये भरोसा दिलाते हैं कि कल को अगर गलती से भी GTA 5 फोन के लिए बनता है, क्योंकि जिस हिसाब से आज के ज़माने में स्मार्टफोन की टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट कर रही है, हो सकता है कल को कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी जो PC गेम्स को भी फोन में रन करे। मैं उसमें कुछ अपना 100% नहीं बताना चाहता, मैं श्योर नहीं हूँ, बट हम कुछ भी नहीं बोल सकते टेक्नोलॉजी के बारे में, ये कितनी एडवांस हो सकती है फ्यूचर में जाके। बट स्टिल अगर ये जो दूसरे नंबर में आप जो देख सकते हैं GTA 5 का जो ये कैरेक्टर है फ्रैंकलिन, उसका जो ग्राफिक्स के साथ आप इस गेम को बनाया गया है, हालांकि सिर्फ 80 MB में आपको इतना
इतना गेम देखने को मिलता है। जब ये गेम पूरा बनेगा, मेरे को पता है ये गेम बहुत ज़्यादा बड़ा बनेगा, लेकिन आप देख सकते हो जो मेहनत इस गेम को बनाने में लगा, ये डिजर्व करता था इस पोजीशन में आने में, इसलिए मैंने इसको इस पोजीशन में डाला है। हालांकि इस गेम में भी करने का कुछ नहीं है, बट स्टिल ये मैनेज करता है ये पोजीशन होल्ड करना। आपको ये डाउनलोड जरूर से करना चाहिए, एक बार ट्राई कर लो यार, किसी की मेहनत को एक बार ट्राई कर लेनी चाहिए। नंबर वन GTA 5 की बात कर ले तो बहुत अच्छा गेम है, बिकॉज इसमें मजा आती है खेलने में। सीरियसली गाइस, इसमें इसको खेलने में मजा आती है, क्योंकि ये आता है तीन मोड्स के साथ। तीन मोड्स यानी कैसे हम बोल सकते हैं, एक में आपको एक ओपन वर्ल्ड मोड मिल जाता है, जिसमें एज एन आप माइकल और ट्रेवर बन के घूम सकते हो। पब्लिक बहुत ज़्यादा इसमें आपको देखने को मिल जाती है, बहुत ज़्यादा पब्लिक देखने को मिल जाती है, गाड़ीज भी मिलती है, एकदम ऐसी नहीं कि नॉर्मल कार्स मिलेंगी, सुपर कार्स आपको देखने को मिल जाती है। साथ ही में बहुत से मोड्स के साथ आता है, जो पहला मोड आपको बताया नॉर्मल मोड, सेकेंड मोड होता है हम बोल सकते हो उसको जो GTA ऑनलाइन की जो रेसिंग का मोड रहता है, वैसा आपको यहाँ पर रेसिंग ट्रैक देखने को मिल जाता है, जिसमें आप रेसिंग कर सकते हो और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है उस रेसिंग में। मतलब गाड़ी सिंपल एक ही मिलती है, उसको चलाने में बहुत मज़ा आता है। और नेक्स्ट है, लास्ट है, वो गैरेज मोड। अब गैरेज मोड में सिर्फ आपको तीन गाड़ियाँ दिखेगी और आपको वो गैरेज को एक्सप्लोर करना है, बाकी कुछ नहीं है। सो आई होप गाइस आपको आज की ये वीडियो पसंद आई। अगर आज को आपको ये आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं बोलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए, सुरक्षित रहे, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय गाइस।